हाय गाइस, देख सकते हो ये मेरा आउटफिट है और मैं रेडी हुई हूँ शादी के लिए। ठीक है, मेरी नहीं, मेरे ब्रदर की। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने मेकअप कर लिया है। गाइस, अब मेरा हेयर स्टाइल बन रहा है और आई डोंट नो कैसा होगा। और देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ, रेडी मैं खुद से हुई हूँ। ये देखो सब रेडी हो चुके हैं और बैंड वैंड सब आ गया है, बस जल्दी से रेडी। सो गाइस, देख सकते हो मैं हमेशा ही स्ट्रेट बाल रखती थी और इस बार कर्ल रख रही हूँ। आप लोग जरूर बताना कि कैसा लग रहा है। अभी होने दो, फिर उसके बाद मुझे जरूर बताना कि कैसा लगेगा मेरे ऊपर। सॉरी, पीछे कर दिया मैंने। सकते हो हमारा भाई घोड़ी पे चढ़ चुका है और हम लोग सब रेडी हो चुके हैं बारात के लिए। अब बारात सीधा जाएगी मंदिर, थोड़ा लेट हो चुकी है पर इट्स ओके गाइस, थोड़ा शादी वाले घर में लेट तो हो ही जाता है। अब मैं भी जा रही हूँ डांस करने। सो गाइज, मेरे सारे कजन और भाई वगैरह सब मंदिर में गए हुए हैं बारात के साथ और मैं यहाँ आ गई हूँ डीजे पे डांस वांस देखने। देख सकते हो मैं मैरिज हॉल पहले ही पहुँच गई हूँ। मैं, मम्मी और मोना दीदी हम लोग आ गए हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं बारात का। बारात आ गई है, देख सकते हो। अब मैं जा रही हूँ बारात के अंदर सबको दोबारा से ज्वाइन करने और ढोल पे डांस करने। बहुत मज़ा आएगा, आ जाओ धमाल मचाते हैं। तो गाइस, देख सकते हो अब हम लोग सब सारे कजन्स बैठे हैं खाना खाने के लिए। हाय गाइस, ठीक है, देख सकते हो। हाँ, व्लॉगिंग चालू है मेरी। तो ये देखो, हम लोग सब खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। एक मिनट, ये नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए, अब बस चावल ला दो और कुछ नहीं चाहिए। डांस कर लिया, इतना ज़्यादा थक गए हैं कि अब कितना टाइम हो रहा है पता है, एक बज रहा है। एक बजे हम खाना खा रहे हैं, एक बजे, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट। काफ़ी लेट हो रही है यहाँ पे वरमाला, देख सकते हो 1:30 बज चुका है और अब हुई है दुल्हन की एंट्री। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे जाके और फिर होगा फोटो सेक्शन, देख सकते हो। गाइस, मेरे से तो शादी में बिल्कुल भी रुका नहीं गया, रात के 2 बज रहे हैं और मैं और ये मेरा भाई, क्योंकि ना जो गेस्ट हाउस है ना उससे हमारा घर काफ़ी पास है, मतलब जो मौसी का घर है वो काफ़ी पास है, तो इसीलिए हम लोग पैदल जा रहे हैं। मम्मी और मौसी वहाँ खड़ी हुई हैं और देख सकते हो सुनसान सड़क, रात के 2 बजे मैं अकेली। यार सच में शादी में बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। सोचा नहीं था, सुबह से बहुत ज़्यादा बोरियत भी लग रहा था पर अब अच्छा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। और खूब इंजॉय किया, खूब डांस किया। अब हमें कल अपने घर के लिए भी निकलना है। खैर, हम एक या दो दिन के लिए आए थे, मतलब आज का दिन और कल का दिन। कल शाम को हमारी ट्रेन है, हम चले जाएंगे मैं और लक्की, ठीक है।
बाकी बहुत मजा किया। अभी हम घर जा रहे हैं, घर जाके मैं ये ड्रेस वगैरह चेंज करके सो जाऊंगी, सुबह मिलती हूँ आपसे। बाय बाय गाइस, सुबह मिलती हूँ। देखो मम्मी और मौसी, हेलो। तो इन लोगों को भी अपने कपड़े वगैरह चेंज करने, क्या आप दोनों थक गए हो? हम तो इतने थक गए, अपने चप्पल हाथ में लेके चल रहे हैं। हाँ, आप दोनों आगे आगे थी और हमें डर सा लग रहा था, पर कोई नहीं। पीछे से पूरा लेना बहुत गंदा। हाँ वही तो, बहुत गंदा रोड था और देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। अभी मैं यहाँ टॉर्च जलाऊंगी, ठीक है गाइस। और नगर निगम वाले हैं ना गाइस, हमारी पूजा को थैंक यू बोलेंगे, सुबह झाड़ू लगाने नहीं आएंगे। हाँ मैंने अपने गाउन से जो झाड़ू लगाई है ना, सही में यार मेरा पूरा गाउन गंदा हो गया है यार। ये डॉगी देखना कितना प्यारा है, गिरी भाई साहब, वैसी कमर टूटी हुई है और क्या टूटेगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा फतेहाबाद में सेकंड डे है और मैं उठ चुकी हूँ, सुबह के 10 बज रहे हैं, सब लोग नहा लिए और मैं दिखाती हूँ सब लोग खाना वाना खा रहे हैं और मैं अभी उठी हूँ। फिर मैंने मुंह हाथ वगैरह धोया, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया, अब बस खाना खाना है और खाने में बड़े कढ़ी चावल। लेकिन उससे पहले मैं अपनी मौसी से मिलवाना चाहती हूँ, जिन जो इतनी बिजी थी जिनसे मैंने आप लोगों को नहीं मिलवाया। तो मौसी हाय कर दो। इन्हीं के बेटे की शादी है, चलो सब अच्छे से हो गया। अब नेक्स्ट नंबर चांदनी का है, चांदनी की शादी में भी हम खूब मजे करेंगे। फिर उसके बाद इसका नंबर है, शादी में आना। हाँ मैं तेरी शादी में पक्का आऊंगी। चांदनी का आएंगे, वो खाने में लगे। चलो मैं आप लोगों को अंदर का व्यू दिखाती हूँ, सब लोग खाना खा रहे हैं। ये देखो चांदनी, नेक्स्ट नंबर तेरा है ना शादी का। अरे मौसी सुन लो यार, 6 महीने बाद है ना, हाँ शादी में आने वाले हैं। 6 महीने बाद इसकी शादी है, देख सकते हो। और ये चल रहा है खाना, ये मेरे वीडियो में सबसे ज्यादा दिखी है, ये नानी है, नानी दादी। अच्छा दादी है नानी, दादी। अच्छा ये चांदनी की दादी है तो मेरी भी दादी लगेगी जी। नमस्ते दादी, मैं आपसे पहली बार मिली हूँ पता है जी। आ जाओ भाभी को दिखाती हूँ, सब लोग शादी में इतने बिजी थे कि किसी को दिखाई नहीं पाई। भाभी हेलो, हेलो, ये भाभी की भाभी है, ये भाभी की बहन है, ये भाभी की दीदी है। अरे वो बाबू कहाँ है अपनी, ये लो ये देखो बाबू, हाय कर दो। जब ये छोटा सा था, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है। हाँ कुछ महीने पहले ये बहुत क्यूट और छोटी सी थी, अब भी अब ये बहुत ज्यादा क्यूट हो गई है। हाँ जी खूब मस्ती किया कल इसने, डीजे पे भी बहुत डांस किया है ऐसे गोदी में। सॉरी आपका नहीं, इसका तो मेरी पूरी वीडियो में हाय 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 हो गया है। चलो चलो गाइस, चला खाना खा लेते हैं, मैं भी खा लूं। खाने में है कड़ी चावल और पूरी और फिर से अंजलि। हे भगवान कितनी बार इसकी शक्ल देखोगे तुम लोग। दो साल चांदनी मेरे से बड़ी है, अंजलि छोटी है, पर लगती नहीं है। नई वाली भाभी आ गई है मैरिज हॉल में से विदा होके, सो ढोल बज रहे हैं, आ जाओ चलते हैं, थोड़ा नाचते हैं, थोड़ा फन करते हैं। हाय गाइस, देख सकते हो यार मेरा फोन टूट गया, मैं वीडियो बना रही थी पर है ना किसी का हाथ लग गया अचानक से, उनकी भी गलती नहीं है, पर ये था यार अगर कवर होता तो बच जाता, पर यार कवर निकाल के ही मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मेरी गलती हो गई। पर कवर निकालना भी इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ना उसके ऊपर ग्लास लगे होते तो वीडियो नहीं बन पाती, पर ना मेरे को ना अपनी गलती लग रही है। ऐसा है कि मैं ना जैसे वीडियो बनाती हूँ ना तो कवर निकाल के इसलिए बनाती हूँ क्योंकि उस पर ना कैमरे की सेफ्टी के लिए वो लगे हुए हैं ग्लास, तो कैमरे की सेफ्टी के लिए वो ग्लास हटाना पड़ता है वीडियोज बनाने के लिए। वो एकदम से उनका हाथ लग गया और वो टूट गया, पर मुझे नहीं पता था यार कि गिरने से इतना जल्दी टूट जाएगा और ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। और देख सकते हो नई भाभी घर में आ चुकी हैं,
कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं ये। अभी हमारे यहाँ एक रस्म है कि मतलब जो नई दुल्हन होती है उसको 5 बार घुमाते हैं, मतलब जो दूल्हे की बुआ होती है ना, वो जो भाभी होती है उनको नई नई बुआ को गोल गोल घुमाते हैं, ये रिवाज होता है। अब ये दूल्हे की भाई की वाइफ अब ये गोल गोल घुमाएंगी, देखो दिखाती हूँ, गोद में कैसे उठा लेंगी ये। गुड इवनिंग एवरी वन, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइज, अब हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। हम लोग एक दिन के लिए आए थे और सेकेंड डे मतलब आज के दिन हम अपने घर पहुंच जाएंगे, मतलब 2 दिन का कवर अप लेके आए थे। शाम की ट्रेन है, पहले मेरे को टिकट नहीं मिल रही थी तो मैं कन्फर्म नहीं थी, और अब मुझे शाम की ट्रेन की टिकट मिल गई है। मैं और लक्की जा रहे हैं, 6:20 की ट्रेन है फतेहाबाद से। अब हम आगरा जाएंगे, आगरा से ट्रेन लेंगे, फिर उसके बाद देन दिल्ली। तो अब निकल रहे हैं बस। शादी में हमने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी मस्ती की। बट गाइज, एक और चीज़ मुझे आप लोगों से बात करनी थी, वो ये है कि मेरे लाइक व्यूज़ काफ़ी कम हो गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो आज मैं जो कुछ भी हूँ यूट्यूब पे आप लोगों की वजह से ही हूँ, पर अब आप मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, तो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, बहुत सारा प्यार दें, ताकि मैं डेली व्लॉग्स डालूं। क्योंकि जब व्यूज़ नहीं आते ना तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं क्या करूँगी व्लॉगिंग करके, व्यूज़ नहीं आते हैं। तो प्लीज़ गाइज, मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ठीक है? और मैं कोशिश करूँगी कि बैक टू बैक व्लॉग्स डालूँ। अब जल्दी से जल्दी हमें पहुंचना है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। अभी देख सकते हो रेड लाइट हो रखी है, तो ये ऑटो हमारा यहाँ रुका हुआ है। एंड गाइस, 6:15 की हमारी ट्रेन है और फिर से ताज एक्सप्रेस है। सो गाइस, हम फाइनली आगरा के स्टेशन पे आ चुके हैं, पर एक और बात बतानी है, मम्मी हमें केवल यहाँ छोड़ने आई है। मम्मी हमारे साथ दिल्ली नहीं जा रही है, मम्मी नागपुर जा रही है। नागपुर की टिकट है मम्मी की, वो दरअसल ऐसा हुआ था, मेरे मौसा जी एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी 13वीं है, मेरे बड़े वाली मौसी है ना, सो उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो वहीं जाना है मम्मी को। तो ये पहले से ही डिसाइड था कि मैं और लकी यहाँ से दिल्ली जाएंगे, फिर मम्मी जाएंगी नागपुर। तो मम्मी हमें छोड़ने आई हैं और मम्मी 7 दिनों के लिए जा रही हैं, बट इट्स ओके। ये ट्रेन काफ़ी खाली है, मथुरा जंक्शन पे सब लोग उतर रहे हैं और हम भी 10:30 तक पहुंच जाएंगे हसरत निज़ामुद्दीन। ये ट्रेन न्यू दिल्ली नहीं जाएगी, हसरत निज़ामुद्दीन जाएगी। सो गाइस, 10 बज चुके हैं, 10 बजने में 5 मिनट बाकी है और हम लोग 10 या 10:10 तक उतर जाएंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर हम लोग कैब या फिर ऑटो वगैरह बुक करेंगे घर के लिए। घर जाने में हमें 1-1.5 घंटा लगेगा समथिंग। ट्रैफिक नहीं हुआ, ट्रैफिक हुआ तो 2 घंटे लगेंगे, ट्रैफिक नहीं हुआ तो 1-1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद कहीं जाके हम 11:30 घर पहुंच जाएंगे। फाइनली बैक टू दिल्ली हम लोग आ चुके हैं। ये है लकी, देख सकते हो कितना प्यारा है, और लगता है सारी भीड़ दिल्ली ही उतरी है। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय गाइज़।